करूं तो फिर जाऊं। दुनिया में कोई इंसान देखा है जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना कि जिंदगी नहीं होती। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों, जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है, जो तालाब में नदी में समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे। मैं मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी, और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा, पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूले झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपके सारे काम सिद्ध हो। अंग्रेजी में उसने छोटा वाक्य लिखा था, और जैसे ही उसने जूते दिए।